और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। वर्ष 1606 में आज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच रीगल यूनियन यानी शाही संघ के प्रतीक के रूप में एक नए झंडे को अपनाया गया था। इस झंडे को खास तौर पर इन दोनों देशों में समुद्री जहाजों पर इस्तेमाल किया जाता था और ये झंडा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के ध्वज को मिलाकर बनाया गया था। हालांकि 1801 में आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के एक साथ आने के बाद यूनाइटेड किंगडम के झंडे के मौजूदा डिजाइन को अपनाया गया। इसे यूनियन जैक या यूनियन फ्लैग भी कहा जाता है। और आज 1954 में जाने माने नाटककार, निर्देशक और गीतकार सफदर हाशमी का जन्म हुआ था। उन्हें खासतौर पर नुक्कड़ नाटकों के लिए याद किया जाता है। 1973 में सफदर हाशमी ने जन नाट्य मंच की स्थापना की थी, जिसे पीपल्स थिएटर फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में अपने एक नाटक हल्ला बोल का मंचन करते हुए सफदर हाशमी की हत्या कर दी गई थी और जिन लोगों ने उन पर हमला किया था वो उनके नाटकों का विरोध करते थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और आज आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं और वो ये है कि अगर हमारे समाज से, हमारे देश से जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाए तो क्या इससे देश को फायदा होगा। आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर और फिर हमें बताइएगा। नमस्कार।